पूर्व नागपुर आरटीओ कार्यालय में बोगस दस्तावेज पेश कर लाइसेंस बनाने का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में बिहार निवासी मोहम्मद खुर्शीद मोहम्मद इद्रिस और राजेश नामदेवराव मेशराम का समावेश है। आरोपी मोहम्मद खुर्शीद ने खुद का दूसरा बोगस आधार कार्ड तैयार किया था। ये बोगस आधार कार्ड के साथ कलमना थाने के तहत आने वाले पूर्व नागपुर आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसी तरह दूसरे आरोपी राजेश मेशराम ने भी बोगस दस्तावेज के साथ आवेदन किया था। गुरुवार की शाम 4 बजे आरटीओ निरीक्षक वीरसेन ढवले को दोनों आरोपियों के दस्तावेज बोगस होने का संदेह हुआ। उन्हें जांच करने पर दस्तावेज बोगस होने का पता चला। इसके चलते निरीक्षक ढवले ने मामले की जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार को दी। अधिकारी भुयार के निर्देश पर कलमना पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बोगस दस्तावेज से लाइसेंस बनाने वाली टोली के नागपुर में भी सक्रिय होने की आशंका है।